गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। शाम का वक्त हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे नीचे खेल रहे हैं, इसलिए आवाज़ें आ रही होंगी इस टाइम। और पूजा भी हो रही है कहीं, तो इसलिए घंटी की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो हम लोग परसों वापस आए थे शादी में से। शादी बहुत अच्छे से हो गई, मतलब सबसे मुलाकात हो गई। शादी वादी में इसीलिए अच्छा लगता है जाने में कि सारे फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो जाती है एक ही समय पर। तो आते वक्त हम लोगों ने सोनी दीदी को पहले ड्रॉप किया, उसके बाद हम लोग अपने घर पहुंचे थे। ऐसे ही 8:30 बजे के करीब हम लोग घर आ चुके थे। और रास्ते में थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ब्रेक लिया था, बीकानेर पर रुके थे कुछ खाने वाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर भूख लगाई थी। तो बस इतना ही टाइम लगा था आने में। हम वहाँ से भी निकले थे 1 बजे के करीब। मम्मी पापा हमारे साथ नहीं आए थे, वो 1-2 दिन के लिए वहाँ रुक गए थे। शादी में भी वो 2 दिन पहले चले गए थे। चाची जी भी नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, मतलब चाचा जी वरना अकेले पड़ जाते। वैसे मौसी जी भी हैं, मतलब दूल्हे की जो मौसी हैं वो भी पूरे टाइम वहीं पर थी हेल्प कराने के लिए। और हाँ, आप लोगों को शादी के ब्लॉग्स बहुत पसंद आए, थैंक यू। मतलब सभी लोगों ने पसंद किया, लगभग बहुत अच्छे लाइक्स भी आए हैं, कमेंट्स भी आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे आए हैं ब्लॉग पर मेरे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को शादी के ब्लॉग पसंद आए, और हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया। और इतने दिन बाद मैं कहते छोटी सिस्टर लॉ से मिली थी, बड़ी वाली नंद से तो फिर भी मुलाकात हो जाती है, वो पास में ही रहती हैं। और उनके जो बच्चे हैं ना, क्यूट क्यूट से, निष्का और देवांश। देवांश के बारे में मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। एक्चुअली घर में ना थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, इस बारे में मैंने आपसे बात भी करी थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि क्या परेशानी आई है। क्योंकि मैं हमेशा, जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ, मैं हैप्पी ब्लॉग देने की कोशिश करती हूँ, यही रीज़न था कि मैंने वो बात आप लोगों से शेयर नहीं करी आज। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। क्या कहते हैं, सोनी दीदी का जो बेटा है देवांश, आप लोगों ने उस नोटिस किया होगा वीडियो में भी, कहीं कहीं आपको उसके चेहरे पे स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीडियो को, उसका हाथ और उसका फेस, लोड़ी जिस दिन थी ना उस दिन जल गया था आग से, और बहुत बुरी तरीके से जला था। काफ़ी दिन मतलब ठीक होने में उसे लग गए। इस चक्कर में हमारा मेरठ, मतलब वो एडमिट था, तो वहाँ पर भी हम लोग देख कर आए थे उसे। और उसके अलावा क्या कहते हैं, फ़ोन पर भी लगातार बातें हो रही थी, मतलब मैं बता नहीं सकती वो दिन कितने परेशानी में गुजरे हैं ना हमारे। हमें ही पता है पूरा एक हफ्ता, मतलब हम लोग सोचते रहते थे बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे पर कभी परेशानी आती है ना तो दिल ना अंदर से बहुत परेशान हो जाता है। तो ये हुआ था सोनी दीदी के बेटे के साथ। फिलहाल तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, आप लोगों ने शादी वाले व्लॉग में देख ही लिया है, अच्छा खासा है सब कुछ, मतलब पहले से बेहतर हो गया है। फेस पे भी बस हल्के हल्के से निशान बचे हैं, तो वो भी थोड़ी सी टेक केयर करेंगे तो वो भी चला जाएगा। हाथ पर थोड़े ज़्यादा गहरे निशान हैं, हाथ तो नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि इसने फुल कपड़े पहने हुए थे, बाकी आप देख ही पा रहे थे कि अच्छे से था। तो इसीलिए मैं ये बात आप लोगों को अब शेयर कर रही हूँ, उस टाइम पर मैंने नहीं शेयर करी, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात आप कहते शेयर करते हुए, क्योंकि मैं अगर ये बात शेयर करती तो आप लोग देखने के लिए बोलते और आप सच पूछो तो नहीं देख पाते। वो इतना बुरा जला था, और ना ही मेरा मन था कि मैं उसे उस कंडीशन में आप लोगों से मिलवाऊं, सच पूछो तो। इसीलिए मैंने उस टाइम आप लोगों से इस बारे में कोई बात नहीं करी। फिलहाल सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। ये लाइट ना बहुत ज़्यादा कलर चेंज करती है। बाय द वे, मैं और प्रशांत और कशिश भी रेडी है, लेकिन कशिश को हम लोग अभी नहीं लेकर जा रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं डिनर के लिए। कहाँ जा रहे हैं? मिनी दीदी के घर जा रहे हैं। मिनी दीदी ने इनवाइट किया था डिनर के लिए आज, और वो एक स्पेशल सी चीज़ बनाने वाली हैं, एक स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हैं, जो कि उनके हाथ की बहुत अमेजिंग बनती है। तो हो सकता है मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं, अगर मैं टाइम से पहुंच गई तो। तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी पहुंच जाऊं, जिससे कि वो रेसिपी मैं आपको दिखा पाऊं। काफ़ी लोगों को पसंद आएगी वो रेसिपी उनकी, प्रशांत को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस चलते हैं, कशिश को हम थोड़ी देर बाद लेने के लिए आएंगे, प्रशांत आ जाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रही है, तो वो 9:30 बजे तक अपना पढ़ेगी, तब प्रशांत उसको लेकर चले जाएंगे। तो जब तक मैं और प्रशांत जा रहे हैं, चलो कशिश तुम तैयार है ना, लेकिन है ना, डैडी आ जाएंगे। और अपने कपड़े ये वाले जो वॉश होके आ गए ना, उनको भी अपना रख लो। हाय दोस्तों, आज मैं आप सबको नर्फ वाली गन का रिव्यू कराऊंगा। वाओ, कितने शॉट्स हैं इसमें? इसमें 6 शॉट्स, और यहाँ से इसको रिलोड करने के लिए ऐसे करना है, यहाँ से खींचना होता है, दूर से, फेस की तरफ से दूर से, वरना चल गई तो मुंह पे पड़ेगी ये। इसके बाद कहता है, और फिर ये जो बटन है इससे स्नाइपर मोड पे
और इसको क्लिक करते ही ये एसएमजी मोड पे हो जाता है। ओह माय गॉड। अभी जब हम लोग घर आए तो मुझसे पूछता है ये कि कशिश नहीं आई, वहां पर अपनी पोजीशन लिए हुए बैठा हुआ था ऐसे। कहता अगर कशिश आती तो मैं ये कर, दीदी आती तो मैं ये करता, यहाँ से स्नाइपर से मारता उसे। हाँ जरा चला के दिखाना, एक तो चला दो। अगर जब इसको मारते तो ऐसी आवाजें निकलती है। अरे मम्मी को मत मारना, मम्मी का सीधा थप्पड़ आएगा तुम्हारी तरफ। उड़ता हुआ थप्पड़ आएगा। तुम ही दीदी, आप क्या बना रहे हो अभी? आज मैं बना रही हूँ रोस्टेड चिकन। तो वाओ, इसीलिए मैं जल्दी आ गई, मैंने सोचा मैं आपकी रेसिपी भी ले लेती हूँ, सब लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि भैया बहुत तारीफ करते हैं। मेरी तो उस चिकन जो बनाती है भाई साहब, क्या मस्त बनाती है, मतलब जूसी होता है बिल्कुल एकदम मस्त वाला। इसीलिए मैं टाइम से आ गई हूँ, टाइम से थोड़ा लेट हूँ लेकिन फिर भी मैं टाइम पे पकड़ लिया। तो आज तो मतलब आज तो चैनल पे मेरे ख्याल से इंडियन मॉम स्टूडियो की हिस्ट्री में पहली बार नॉनवेज रेसिपी दिखाऊंगी। हाँ ये बात तो है, मैंने तो क्योंकि मेरे घर पे कभी बनती नहीं है ना इसलिए, तो मैंने तो कभी अपने किचन में कोई भी नॉनवेज नहीं बनाया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और दिखाएंगे भी आपको कि कैसे बनता है। और टेस्ट मैं, रुद्रांश और राहुल जी करेंगे। ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैरिनेट कर रहे हो ना आप? बिल्कुल, तो चलते हैं फिर मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम लगभग गाढ़ा दही। अब यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच देगी मिर्च, या मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार। चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच। थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर के लिए काला नमक आधी छोटी चम्मच। 1 चम्मच भुनी हुई धनिया, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है वो वाली, ये डालेंगे हम। थोड़ी सी कसूरी मेथी यहाँ पर लेंगे हम। 1 नींबू उसका जूस डालेंगे, इससे टैंगी फ्लेवर आएगा। हाँ इससे थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर आता है। वैसे तो दही है ऑलरेडी, और हमने कलर के लिए जैसे बाजार वाला कलर होता है उसके लिए हमने थोड़ा सा वो डाला है देगी मिर्च, आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, और यहाँ पर मैंने 1 चमचा मस्टर्ड ऑयल डाल रहा है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप इसमें फ्रेंड्स हंकर्ड जो होता है ना उसका भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो परफेक्ट मैरिनेशन एक जो है तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर चिकन लेंगे और चिकन को हम डालेंगे मैरिनेशन के लिए। तो आप कितनी देर मैरिनेट करते हो जनरली? वैसे तो मैं 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर देती हूँ, बट कभी कभी अगर मुझे जल्दी होती है तो मैं इसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। हाँ वैसे भी कहते हैं अगर आपको ज्यादा अच्छा मैरिनेशन चाहिए तो ओवरनाइट भी करते हैं कुछ लोग। हाँ तो एक्चुअली रुद्रांश और इनको बहुत पसंद है ना राहुल को, तो ये बनता रहता है। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। आप वैसे भी कम ही खाते हो चिकन? मैं मेरे को कभी नहीं, मतलब बहुत ही कम खाया रेयरली, तो इतना वो है नहीं मैं रेयर की खाना ही खाना है, मैं नहीं खाती हूँ। अब हम इसमें क्लिंग जो फॉइल होती है ना इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे, बट किसी के नहीं होती है तो वो ढककर प्लेट से ढक के रख सकता है। मेरे यहाँ तो आपको पता है खाने के शौकीन है सब लोग, तो इसलिए मेरे यहाँ अधिकतर सब चीजें मिल जाती हैं। हाँ रुद्रांश को बहुत अच्छा लगता है, राहुल जी को अच्छा लगता है, राहुल को इसी वजह से मेरा मन भी करता है कि मैं नई चीजें बनाऊं आपके भैया को। देखिए हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसे खोल लेते हैं। और देखिए नींबू वगैरह की वजह से देखिए जो पानी होता है ना वो सब अलग हो गया है। हाँ तो वो जितना आप देर रखोगे उतना ही ये जूसी अंदर से होगा। अब हम ओवन में इसे रोस्ट होने रखेंगे। कितना टाइम लग जाता है रोस्ट होने में मनीष जी? 30 से 40 मिनट। अच्छा अच्छे से तभी होता, फिर ये मतलब हाँ। अंदर तक पक जाता है? हाँ अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कच्चा लग रहा है अंदर से तो आप थोड़ा सा और 5-7 मिनट 10 मिनट रख सकते हैं। वो हर एक के ओवन की और हर एक का टाइमिंग माइक्रोवेव की बात अलग होती है।
तो मैरिनेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मैरिनेट करके मिनी दीदी ने पहले ही रखा हुआ था और इसे बेक भी कर लिया है, मतलब रोस्ट भी कर लिया है। तो रोस्ट होने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो अभी तो आप इसकी ग्रेवी वाला बनाने वाले हो ना, इसको हाँ। तो इसको तो ग्रेवी वाला बनाने वाले हैं। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो। तो उन्होंने दो दो लॉट बनाए, एक लॉट में तो वो ग्रेवी वाला बनाएंगे और एक को ऐसे ही खाने के लिए। अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है एकदम। बस इसको क्या है, अगर मुझे रोस्टेड बनाना होता तो इसे दोबारा पलट के लगा देती हूं 5 मिनट के लिए। अच्छा, पलट के फिर एक बार दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। तो अभी चिकन तो रोस्ट हो रहा है ओवन में और यहाँ पर तैयार हो रही है वेज रेसिपी और ये है सोया चाप। सोया चाप की बहुत सारी रेसिपीज मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। मिनी दीदी भी बहुत अच्छी अच्छी बनाती हैं। तो आज इन्होंने क्या बनाया आपने? ये मैंने ये बनाया है मसाला चाप। ओके, तो अब बस इसमें कुछ चीजें डाल रही हैं जैसे बटर अनियन चटनी, उससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने न्यूट्रलाइट का यूज किया है कि थोड़ा ऑयल कम जाएगा। थोड़ा सा लाइट होता है ना ये, क्योंकि मैं तो नॉन वेज नहीं खाती हूँ मैं और भाभी। हाँ, तो हम लोगों के लिए ये हो जाएगा चाट मसाला। हाँ, तो खाना तो ऑलमोस्ट तैयार है। प्रशांत कशिश को लेने के लिए गए हैं, वो भी बस आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर बैल बजी है और जो रुद्रांश है उसने अपना टारगेट सेट कर रखा है। हेलो, क्या हो रहा है? आ गई तुम? आ गई मैं। खुशबू है? अरे वाह, टारगेट सही निशाने पे लगा। कैसा लगा तुम्हें? वो कहते ना, उसने गोली से कर दिया तुम्हारा स्वागत। पता है क्या खुशबू आ रही है बाहर? तो आज मजा आ गया खुशबू देख सुन के। ये अब हम इसको उठा के, ये जो हमारा बचा हुआ मैरिनेशन वाला थोड़ा सा बचा था, हम इसी में डालेंगे। एक ट्रिक है इससे आपका बिल्कुल जूसी जूसी सा लगेगा। देखिए अंदर से बिल्कुल अच्छे से आपके पीसेस गल गए हैं। तो आज मैंने फाइनली एक चिकन की रेसिपी भी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। हाँ, इसे काफी टाइम रखना पड़ा ना? 40 मिनट्स तो लग गए। एक्चुअली ये फॉइल पेपर लगा के करें वरना आपकी ट्रे साफ नहीं हो पाएगी। देखिए बिल्कुल क्लीन है। हाँ, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो कटी हुई है, चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच, हरी चटनी, हमने बटर लिया है न्यूट्रलाइट क्योंकि इसमें हम ऑयल नहीं डाला, बहुत कम यूज किया है। बाजार जैसा बन गया ये, बिल्कुल बाजार जैसा ही आपका टेस्ट आएगा। आप इसमें बटर और भी ज्यादा डाल सकते हैं, अमूल का बटर भी डाल सकते हैं। हाँ, मैं गार्लिक डालना भूल गई थी, मुझे नहीं याद रहा, बट मेरी चटनी में गार्लिक है। मैरिनेशन करते समय भी डाल सकते हैं। हाँ, आप मैरिनेशन समय करते समय जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल लीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग लग रही है ये रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। और ये है सोया चाप और यहाँ पर है चिकन। रुद्रांश, तुम्हारा कितना फेवरेट है चिकन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मिनी ने हमारी अच्छी खासी वाली पार्टी करी है। खुशबू देखो, कशिश मैं कह रही थी डैडी से कि अब पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, इतना मुंह में पानी आ रहा है। ये बात तो है, बहुत टेस्टी बनाई है। ये है तुम्हारे शायद वो वेज है? हाँ। और वो बनाए हैं वेज वाला भी बनाया है? हाँ। और दो तरह एक और ग्रेवी वाला भी बनाया है चिकन तो। ओ वाव, तो पार्टी की पार्टी। वो डिनर में, ये स्नैक्स है। ये स्नैक्स है? हाँ। ये डिनर में तो ये खुश का इतना फेवरेट। अच्छा अच्छा, चल गई नहीं है लाइट डिनर में। ये देखो ये स्टार्टर है, तो मतलब स्टार्टर इतना हैवी मुझे लग रहा है, स्टार्टर से ही पेट भर जाएगा। कैसा लगा? बहुत यम्मी है, बहुत जूसी है और इसका मसाला बहुत ही अच्छा है। कशिश भी शौक से खा रही है। इसलिए मैंने लेग पीस मंगवाए थे। अच्छा। बच्चों को ज्यादा पसंद, लेग पीस ज्यादा पसंद है ना। रुद्रांश को तो है ही खैर पसंद, कशिश भी शौक से खा रही है। खास बात मिनी जो बनाती है ना, उसका मुंह में डालो ना वैसे मेल्ट हो जाता है बहुत इजीली। मतलब बोन से जो मीट होता है वो आराम से अलग हो जाता है। वो रोस्ट करती है ना तो इसलिए स्लोली। आप भी करो, बताओ
आप भी करके बताओ, आप भी राहुल जी करिए ना रिएक्शन। ये है ग्रेवी वाला चिकन, जिसकी ग्रेवी बहुत मस्त बनी है। अब आप लोग सोचेंगे रीमा आप तो खाती नहीं है, फिर आपको कैसे पता? एक्चुअली देखने से भी पता चल जाता है, और बाकी प्रशांत तो खाते हैं तो उन्हें पता है कि ये बहुत टेस्टी बनता है। इधर पनीर की भी सब्जी है, रोटियां सिक रही हैं यहाँ पर, बच्चे खाने को रेडी नहीं है, सबका मन उसी से भर गया, सबने मन से खाया है एक्चुअली। वो होता ही है, रोस्टेड चिकन ज्यादा खाया जाता है एक्चुअली, लाइट होता है ना वो। हाँ। इस वजह से आप ग्रेवी वाला खाओगे तो वो थोड़ा हैवी थिक, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह की ग्रेवी होती है, काजू वगैरह की, तो थोड़ा हैवी हो जाता है। और स्टार्टर खा लो तो वैसे ही पेट भर जाता है। मिनी दीदी बाय बाय, राहुल जी बाय। हेलो राहुल जी बाय। बहुत अच्छा, बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा डिनर था। मैं लंच बोलने वाली थी, बहुत ही अच्छा डिनर था सच्ची में। सोया चाप बहुत अमेजिंग थी, और इन लोगों को चिकन। चलिए पनीर सो गया, ये भी सो गई थी पता है, इसको मैं उठा के लिया। बाय बाय। तो आने के बाद कशिश यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार कर रही है। थोड़ी देर पहले ही हम लोग आए हैं मिनी दीदी के घर से, काफी अच्छा खाना बनाया था मिनी दीदी ने। एक बार मैंने आपके साथ उनके हाथ के छोले की रेसिपी शेयर करी थी, आप लोगों को काफी पसंद आई थी, तो आप लोग चिकन की रेसिपी भी ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगी। सोया चाप भी बहुत टेस्टी बनी थी, अगर उस तरीके से आपको चाहिए तो मैं किसी दिन किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वो भी मैरिनेट करके देन ओवन में बेक करके बनाई थी उन्होंने, तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत जूसी थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। बाय द वे मैंने जो चंदौसी के व्लॉग्स डाले थे ना, तो काफी सारे लोगों ने मुझे बताया कमेंट सेक्शन में कि वो लोग भी चंदौसी के हैं, बड़ा अच्छा लगा जानकर। इस बार तो मैं थोड़ा बिजी रही क्योंकि गई कम टाइम के लिए थी, और शादी में वैसे भी इतने सारे रिचुअल्स होते हैं तो उसमें इतना बिजी हो जाते कि समय ही नहीं मिल पाता। जिस दिन बारात निकली उस दिन भी गुड़ चढ़ी, फिर मंदिर गए थे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोगों को बारात लेके जाना था, तो वो पूरा दिन ना इतना ज्यादा टाइट था तो टाइम ही नहीं मिल पाया। मतलब मेरा मन तो था आप लोगों से मिलने का कि मैं मिल पाऊं, जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, लेकिन मैं मिल नहीं सकती थी, बहुत ही टाइट शेड्यूल में थी, और अगले दिन जो था हमें निकलना था, तो इस वजह से किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं चंदौसी जाती हूँ तो मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी। पहले तो हमारा चंदौसी जाना आना लगा रहता था, चाची जब थी बहुत जाते थे हम लोग, और जब मैं शादी होकर आई थी ना, जब मैं शादी होकर आई थी ना तो दादी तब थी, मतलब प्रशांत की दादी थी, तो दादी से मिलने के लिए हम लोग जाते रहते थे चंदौसी। और जब मुझे याद है अभी भी, जब मैं फर्स्ट टाइम इनकी दादी से मिली थी, वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी एक्चुअली, दादी बीमार थी थोड़ा, तो चाची उनकी टेक केयर करती थी हमेशा ही। जब फर्स्ट टाइम मम्मी मिलवाने के लिए लेकर गई थी दादी से, दादी इतना खुश हुई थी, बहुत ज्यादा खुश हुई थी मेरी दादी सास, क्योंकि वो इनसे बहुत प्यार करती थी, तो वो मतलब बार बार बोले जाती थी मेरी चिंटू की बहू आई है, मेरी चिंटू की बहू आई है। तभी मुझे आज तक याद है, उन्होंने अपने गले में से एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी, वो निकाल कर मुझे दी, बोली ये मेरे सबसे बड़े पोते की बहू है, और इसे तो मैं कुछ ऐसा दूंगी जो मेरे को बहुत पसंद हो। तो वो दिन मुझे ना हमेशा याद रहता है, और वो चेन भी मेरे पास अभी भी रखी हुई है। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक मेमोरी होती है ना, कोई बड़ा बूढ़ा अपने आशीर्वाद के तौर पे देता है तो वो दिल के बहुत करीब होती है। इस तरीके से चंदौसी मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार बहुत दिन बाद गई थी मैं। मम्मी पापा का तो अभी भी जाना आना लगा रहता है, लेकिन मैं काफी टाइम बाद गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा कि आप में से काफी सारे लोग वो सन टैनिंग रिमूवल फेस मास्क मांग रहे थे, तो मैं उसकी रेसिपी किसी दिन आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो गाइस चलिए यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।